तो गाइस यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डिफीट ए वन टैप प्लेयर। मतलब अगर कोई एनिमी आपको वन टैप मारने की कोशिश कर रहा है तो भाई उस वन टैप से आप लोग कैसे बच सकते हो। तो भाई हर एक बंदा YouTube पे ये सर्च करता है कि वन टैप हेडशॉट कैसे मारे, डेजर्ट ईगल से वन टैप हेडशॉट कैसे मारे, शॉटगन से वन टैप हेडशॉट कैसे मारे, लेकिन भाई कोई ये सर्च नहीं करता कि वन टैप हेडशॉट से कैसे बचे। मतलब आप लोग भी वन टैप का ट्राई करते हो और जो एनिमी होता है वो भी आपको वन टैप मारने की ट्राई करता है, तो इसमें अगर आप लोग गलती करते हो तो भाई आप लोग वन टैप खा जाते हो, और आप लोग अगर सही करते हो तो भाई आप लोग एनिमी को वन टैप मार देते हो बहुत ही इजीली। तो भाई इसके ऊपर ही मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ। तो भाई मैं आपको टॉप 4 टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि वन टैप से कैसे बच सकते हैं आप लोग। तो गाइस ऐसा यूनिक्स वीडियो सिर्फ हमारे चैनल पे ही आपको मिलेगा भाई, दूसरे चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। तो यार अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर, क्योंकि हम लोग 50K सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब है, तो यार करवा दो। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस वन टैप हेडशॉट से बचने के लिए हमारा जो सबसे पहला टिप्स है ये है नॉट स्टील वन प्लेस। तो भाई इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना कि आप लोग सबसे पहले मिस्टेक क्या करते हो। तो देखो भाई वन टैप आपको मारने के लिए, मतलब आप लोग जब वन टैप का ट्राई करोगे तो वहाँ पे आपको स्टील खड़े होना पड़ेगा, लेकिन आप लोग वहाँ पे बिल्कुल स्टील खड़े ही हो जाते हो भाई। आपको इतना देर तक वहाँ पे एक जगह पे स्टील नहीं खड़े होना है, क्योंकि अगर आप लोग एक जगह पे स्टील खड़े होकर रह जाओगे तो भाई एनिमी को वन टैप मारने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। क्योंकि अगर एक बंदा भाई स्टील खड़े होता है तो वहाँ पे भाई किसी का भी वन टैप बहुत ही आसानी से लग जाता है, क्योंकि भाई आपका हेड भाई कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा होता है, उस वक्त आपका हेड बिल्कुल स्टील खड़ा है, तो भाई वन टैप भी बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो भाई देखो आप जब भी वन टैप का ट्राई करोगे वहाँ पे आपको स्टील खड़े होना है, लेकिन भाई बिल्कुल 0.001 सेकंड के लिए आपको स्टील खड़े होना है और फिर आपको वन टैप का ट्राई करना है। तो वहाँ पे अगर आपका वन टैप नहीं लगता है तो भाई तुरंत आपको स्प्रिंटिंग बटन को प्रेस करके मूवमेंट करना है, और उसके बाद आपको फिर से गन स्विच करके वन टैप का ट्राई करना है। तो भाई ऐसे करके अगर आप लोग करोगे तो भाई वहाँ पे आपका वन टैप लगने का चांसेस भी इंक्रीज हो जाएगा, और जो एनिमी है भाई वो भी आपको वन टैप हेडशॉट नहीं मार पाएगा भाई, 100% ये मेरा गारंटी है। क्योंकि अगर आप लोग एक प्रो प्लेयर का गेम प्ले देखते होगे तो भाई वहाँ पे देखना कि वो बंदा कभी भी भाई एक प्लेस पे स्टील खड़े नहीं होता है, वो हमेशा भाई प्लेस को चेंज करता है, मतलब लोकेशन को चेंज करता है। आप लोग इस वाले वीडियो क्लिप में देखो भाई, मैंने यहाँ पे एक बार वन टैप का ट्राई करा, मेरा यहाँ पे नहीं लगा, तो भाई मैंने तुरंत यहाँ पे स्प्रिंटिंग बटन को प्रेस करके मूवमेंट करा, उसके बाद मैंने फिर यहाँ से वन टैप का ट्राई करा, यहाँ पे भी नहीं लगा, तो भाई मैंने तुरंत फिर से स्प्रिंटिंग बटन को प्रेस करके मूवमेंट करा, और भाई यहाँ से मैंने जैसे ही ट्राई करा तो भाई मेरा वन टैप भी लग गया और भाई मैं भी एनिमी से वन टैप से बच गया। तो भाई आपको भी यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करना है। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड टिप की, जो कि है ऑलवेज जिगजैग। तो भाई देखो आप लोग गलती क्या करते हो, सबसे पहले आप लोग ये समझो, आप लोग कहाँ पे भी जा रहे हो या फिर किसी एनिमी के ऊपर आप लोग रश कर रहे हो तो भाई उस वक्त आप लोग जिगजैग मूवमेंट ही नहीं करते, या फिर अगर आप लोग किसी एनिमी को ढूंढ रहे हो, मतलब आपको पता नहीं है कि एनिमी कहाँ पे छुपा है, तो आप लोग क्या करते हो कि भाई जंप करके भाई ढूंढता रहते हो, स्क्रीन को रोटेट करते रहते हो कि एनिमी कहाँ पे। तो उस वक्त अगर एनिमी कैंपिंग कर रहा है और वो आपको बहुत देर से देख रहा है, या फिर अगर एनिमी आपके पीछे से चले आते हैं ना, तो भाई वहाँ पे इजीली बंदा आपको वन टैप मार के चला जाएगा और आप लोग वहाँ पे कुछ भी कर नहीं पाओगे। तो भाई मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ, ये वीडियो क्लिप में आप लोग समझ जाओगे। तो आप लोग इस वाले वीडियो क्लिप में देख सकते हो, जो एनिमी है भाई इसको पता नहीं है कि मैं इसके पीछे हूँ, तो भाई एनिमी यहाँ पे एनिमी बिल्कुल स्ट्रेट भाई रनिंग मूवमेंट पे था। तो भाई मैंने यहाँ पे जंप करके भाई जैसे ही वन टैप की कोशिश किया, भाई मेरा यहाँ पे वन टैप बहुत ही आसानी से लग गया। तो भाई आप भी यहाँ पे ऐसे ही गलती करते हो, तो आप लोग कभी भी जिगजैग मूवमेंट नहीं करते, तो भाई ये सबसे बड़ी गलती है। तो आप लोग जब भी वन टैप का ट्राई करो उसके बाद आप लोग भाई थोड़ा सा जिगजैग मूवमेंट करो, या फिर कहाँ पे भी जा रहे हो किसी एनिमी
एनिमी पर रश करने जा रहे हो तो वहाँ पे भी आप लोग जिगजैग मूवमेंट करते हुए जाओ, तो भाई एनिमी जो है वो आपको कभी भी वन टैप हेडशॉट नहीं मार पाएगा। आप लोग बहुत ही आसानी से वन टैप हेडशॉट से बच सकते हो। और भाई आप लोग अगर चाहे तो वहाँ पे वन टैप मार सकते हो आप लोग, लेकिन आपको जिगजैग मूवमेंट हमेशा करना है। चाहे आप लोग रैंक खेल रहे हो या फिर क्लैश स्क्वाड खेल रहे हो, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई जिगजैग मूवमेंट आपको हमेशा करना है। अभी बात करते हैं हमारे थर्ड टिप की, जो कि है नूब वॉक। तो देखो भाई, सबसे पहले आप लोग गलती क्या करते हो आप लोग ये समझो। तो देखो, आप लोग अगर एक खुले मैदान में होते हो और सामने कुछ घर होता है जिन घरों में एनिमी है आपको पता है, लेकिन कहाँ पे है एनिमी आपको ये पता नहीं है, तो उस वक्त आप लोग क्या करते हो भाई, एक ही जगह पे राउंड राउंड घूमते रहते हो। या फिर आप लोग जब भी क्लैश स्क्वाड खेलते हो तो वहाँ पे जब वन वर्सेस वन हो जाता है, मतलब आपका टीम में सिर्फ आप ही बचे हो और ओपोनेंट के टीम में सिर्फ भाई एक ही बंदा बचा है, तो उस वक्त आपको पता नहीं है कि एनिमी कहाँ पे, तो उस वक्त आप लोग क्या करते हो कि रनिंग मूवमेंट पे रहते हो और अपना कैमरा को इधर उधर रोटेट करते रहते हो। लेकिन भाई वहाँ पे आप लोग जैसे रनिंग मूवमेंट पे रहते हो ना, अगर एनिमी सामने से अचानक आ जाए तो वहाँ पे आपको इजीली एनिमी मार के चला जाएगा वन टैप, आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे। तो भाई देखो, उस वक्त आपको क्या करना है, जब आपको पता नहीं है कि एनिमी कहाँ पे है, तो भाई उस वक्त आपको भाई नूब वॉक करना है। अब देखो नूब वॉक कैसे करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे जैसे नूब वॉक कर रहा हूँ, भाई आपको भी यहाँ पे नूब वॉक करना है जब आपको पता नहीं है कि एनिमी कहां पे छुपा है। तो देखो नूब वॉक से क्या होगा कि आपका वन टैप लगने का चांसेस भी इंक्रीस हो जाएगा, और भाई आप लोग यहां पे नूब वॉक कर रहे हो इसलिए जो एनिमी है वो आपको वन टैप हेडशॉट कभी भी नहीं मार पाएगा। लेकिन भाई एक बात का आपको ध्यान रखना है कि नूब वॉक करते करते आपको एक जगह पे बिल्कुल स्टिल खड़े नहीं होना है, क्योंकि अगर आप लोग स्टिल खड़े हुए तो भाई वहां पे कोई भी एनिमी आपको वन टैप हेडशॉट मार सकता है बहुत ही इजी। अभी बात करते हैं हमारे फोर्थ टिप की, जो कि इस वीडियो का लास्ट टिप है। तो देखो भाई, आप जब भी डेजर्ट ईगल, M500, ड्रैगन ऑफ, SKS, SVD जो भी लॉन्ग टैप के गन यूज़ कर रहे हो, तो भाई उस वक्त आप लोग एक बात ध्यान रखें कि आप लोग जैसे ही वन टैप का ट्राई कर रहे हो वहाँ पे अगर आपका वन टैप नहीं लगता है तो आपको वहाँ पे सीटअप कर लेना है। तो भाई देखो, सीटअप करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो एम होता है ना, ये एम भाई नीचे आके फिर ऊपर चले जाता है, मतलब बिल्कुल एनिमी के चेस्ट के ऊपर लॉक हो जाता है, तो भाई वहाँ पे आपका वन टैप लगने का चांसेस भी इंक्रीज हो जाएगा। और आपने एक बार तुरंत सीटअप कर लिया तो भाई वहाँ पे एनिमी जो है वो आपको वन टैप नहीं मार पाएगा अगर आपका वन टैप नहीं लगता है। तो आप लोग भाई एक बार सीटअप कर लेना, लेकिन भाई आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि भाई सीट बटन को आप लोग प्रेस करके वहाँ पे बिल्कुल बैठ के रह गए, भाई ऐसा नहीं करना है, तो भाई जो एनिमी है वो भाई आपको इजीली वन टैप मार देगा। तो भाई यहाँ पे आपको तुरंत बिल्कुल फास्ट करना है, एक बार सीट फिर आप करना है, ठीक है ना। तो भाई इससे क्या होगा, भाई आपका वन टैप लगने का चांसेस भी इंक्रीज हो जाएगा और जो एनिमी है भाई वो भी आपको वन टैप हेडशॉट नहीं मार पाएगा। तो ये ट्रिक आप लोग रैंक या फिर क्लैश स्क्वाड में ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल होगा ये ट्रिक। तो गाइस, वन टैप से बचने के लिए जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स था मैंने आप लोगों को बता दिया। तो भाई वीडियो कैसा बना है मुझे पता नहीं है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना और वीडियो में कमेंट करके बोलना कि वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है ना। और देखो, आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे, प्यार करोगे, मोटिवेट करोगे तो भाई तभी तुम्हारा भाई आगे जाएगा, आगे जाके एक बड़ा यूट्यूबर बनेगा अगर आप लोगों का प्यार रहे तो। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।